जय स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? श्री स्वामीनारायण विद्याचार्य ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हमने अगले तारीख ऐसे तीन पाठ है उसकी समझौते प्राप्त कर ली है और स्वाध्याय पुस्तिका कार्य भी पूर्ण कर लिया। तो बच्चों, आज हम एक कक्षा देश के नाम संदेश उसके बारे में अभ्यास करने वाले हैं। हमें इस एकम अब्दुल कलाम के हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, भारत देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं और यह संदेश उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। तो बच्चों, हम एकम की शुरुआत करेंगे। आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, उसमें एकम 4 है देश के नाम संदेश और पेज नंबर है 21। तो आप सब उसमें ध्यान दो और साथ साथ मैं जो भी बोलूं उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देश के नाम संदेश पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। बच्चों, हमने कक्षा 6 यह ध्यान दिया कि पत्र के माध्यम से हम अपने परिवारजनों, मित्रों को अपनी बात है वो सरलता से बता सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। यदि हमें कोई मुश्किल है तो हम सरकार को भी आवेदन पत्र के द्वारा वह माहिती है वो दे सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। बच्चों, हम अपनी बात है वो दूसरे व्यक्ति को आज के जमाने के मुकाबले हम चाहे तो दूरभाष यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, तार के द्वारा हम दे सकते हैं, मगर पत्र है उसका विशेष महत्व होता है। मैंने पहले भी बताया था, हम भी पढ़ चुके हैं कि पत्र का विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल डॉक्टर अब्दुल फकीर जेनालाबदीन अब्दुल कलाम बच्चों खास याद रखना कि अब्दुल कलाम जी हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं और उसे मिसाइल मैन का नाम भी दिया गया है। तो वह आपको खास याद रखना है। और यदि आपको पूछा जाए कि अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या था तो आपको याद होना चाहिए कि अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अब्दुल फकीर जेनालुद्दीन अब्दुल कलाम। ने नई दिल्ली 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल दिया था। बच्चों, अब्दुल कलाम जी है उन्होंने 19 मई 2005 एक ईमेल दिया भेजा था और ईमेल में क्या भेजा था उन्होंने लिखा था कि आपके पास क्या देश के लिए 10 मिनट है। तो जो हमारे पास तो बहुत समय होता है, तो क्या उन समय में से हमारे पास देश के लिए 10 मिनट है होंगे ही होंगे। ऐसा ईमेल है वो अब्दुल कलाम जी ने भेजा था, नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में ऐसा भी बात की भावना उत्पन्न इस ईमेल के द्वारा देश के लोगों को अपने देश के लिए अभिमान हो, अपने देश के लिए अभिमान उत्पन्न हो ऐसी सीख है वह इस ईमेल के द्वारा बताई गई है। तो बच्चों, यहाँ पर पत्र के माध्यम से हमें यह बात है वो बताई गई है। तो हम देखते जाएंगे कि पत्र का ढांचा किस तरह से पत्र लिखा जाता है और उसमें अब्दुल कलाम जी है वो हमें कौन सी बात बताना चाहते हैं वो भी साथ साथ हम सीखते जाएंगे। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आप देखिए कि आपके बाई क्या लिखा है, आपकी बाई और अपना पता यानी कि भेजने वाले का पता लिखना ही पहले। उसके बाद क्या आएगा, दिनांक आएगा। दिनांक के बाद क्या आएगा, संबोधन। संबोधन के बाद आएगा अभिवादन। उसके बाद
पत्र लिखने का कारण। पत्र का विषय वस्तु यानी कि पत्र में कौन सी बात है वो बताई है, अन्य समाचार और समाप्ति। बच्चों यह ढांचा है वो हम कक्षा 6 में भी सीख गए हैं और कक्षा 7 में हमें इसी ढांचे पर चलना है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। पहले आपको अपना पता लिखना है, तो यहाँ पर पता लिखना है मातृ छाया अल्पविराम ऊंची शेरी गांव है मेजपुरा तहसील तालुका कौन सा है भाबर और जिला है बनासकांठा। बाद में क्या आएगा, बाद में आएगा दिनांक, तो दिनांक कौन सी लिखी है 24/12/2011 यानी कि 24 दिसंबर 2011 को यह पत्र किरण है वो हर्ष को लिखते हैं। प्रिय मित्र हर्ष, बच्चों प्रिय मित्र हर्ष यानी कि क्या हुआ, संबोधन हुआ। उसके बाद नमस्ते, नमस्ते क्या हुआ, नमस्ते हुआ अभिवादन। अब यह पत्र की शुरुआत होती है, मैं यहाँ सकुशल हूँ आशा है वहां सभी सकुशल होंगे। अपना मित्र है किरण वह हर्ष से कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि वहां भी सब सकुशल हो। तुम्हारा घर मिला पढ़कर खुशी हुई, तुम्हारा पत्र मुझे मिला कुछ ही दिनों पहले और पत्र पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई आनंद हुआ। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासी के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले अब्दुल कलाम ने जो कि हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने एक ईमेल भेजा था उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बात है वो बताना चाहती हूँ, वही मैं प्रेषित प्रेषित यानी कि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। अब्दुल कलाम जी है उन्होंने क्या लिखा है अपने ईमेल में, तो उन्होंने शुरुआत की है कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, यदि हाँ तो इसे पढ़िए वरना आपकी मर्जी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि यदि आपके पास 10 मिनट हो तो यह मैंने जो ईमेल भेजा है उसे पढ़िए वरना आपकी मर्जी, आपको जो जी में आए वह करें। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं और उसके बाद ईमेल वह लिखना शुरू करते हैं और हमारे देशवासियों की सोच कैसी है वह वह लिखते हैं। आप कहते हैं हमारी सरकार है वो निकम्मी है, अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि देशवासी है वो ऐसा बोलती है कि हमारी सरकार है वो निकम्मी, निकम्मी है कि कुछ काम नहीं करती ऐसी निकम्मी। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप यानी कि हम सब यही बोलते हैं कि हमारे कानून है कायदे कानून है वो अब पुराने पड़ गए हैं, कोई कायदे कानून का पालन सही तरह से नहीं कर रहा ऐसा हम बोलते हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, हम ऐसा बोलते हैं कि नगर पालिका है वह कचरा है वो नहीं उठाती यानी कि हमारा मोहल्ला है हमारा गांव शहर है वो साफ नहीं रख पाती नगर पालिका। आप कहते हैं मॉल काम नहीं करता और हम ऐसा भी शिकायत करते हैं कि हमारा फोन है वो काम नहीं कर रहा है इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। रेलवे मजाक कर रहे हैं, रेलवे का काम भी अच्छा नहीं चल रहा, टाइम पर यानी कि वक्त पर ट्रेन है वो आती नहीं स्टेशन पर। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, एयरलाइन की सुविधा है वो हमारे देश की सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, हम जो पत्र व्यवहार करते हैं वो समय से उस जगह पर उस पते पर नहीं पहुंच पाता यानी कि हमारे पोस्ट विभाग भी निकम्मा है कुछ काम का नहीं है ऐसा हम कहते हैं ऐसा हम बोलते हैं। आप कहते हैं कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आप इस बारे में क्या नियम, आप ऐसी शिकायतें करते हैं। अब्दुल जी कहते हैं कि आप कहते हैं कहते रहते हैं और
कहते ही रहते हैं, मगर आपने इस बारे में क्या कहा? आपने यह महसूस किया कि नगर पालिका है वो काम नहीं कर रही, हमारे सरकार है वो निकम्मी है, हमारा नेटवर्क काम नहीं करता, पोस्ट विभाग काम नहीं करता, रेल के कर्मचारी काम नहीं करते, एयरलाइन की सुविधा है वो अच्छी नहीं। तो आपने इसके बारे में कुछ करने का प्रयत्न किया, किसी को यह बात बताई, किसी को यह शिकायत की कभी? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हम सरकार की बुरी बुरी बातें हैं वो बोलते रहते हैं, मगर उसके बारे में कुछ करते नहीं, कुछ सिखाया देते हैं, ऐसा बोलकर ही समाप्त करते हैं, मगर उस कार्य को हम अच्छा हो ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करते। बाद में अब्दुल कलाम जी है वो सिंगापुर का उदाहरण देते हैं। बच्चों बहुत ही अच्छी बात और सच्ची बात है वो यहाँ पर बताई है। फिर भी राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, आप ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति है वो सिंगापुर जा रहा है, ऐसा आप सोच लीजिए, अपने उसे अपना नाम दीजिए और उस व्यक्ति को अपना नाम दे दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। बच्चों यहाँ बताया गया है कि आप सिंगापुर जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है सिंगापुर का, वहां पर आप उतरते हैं और उतरते ही आप सिगरेट का टुकड़ा है वो सड़कों पर नहीं फेंकते। बच्चों हम भारत में रहते हैं, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या आपके शहर में लोग सड़कों पर सिगरेट पीकर कहीं भी अपनी सिगरेट का टुकड़ा है वो छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि आप सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा यानी कि सिंगापुर का हवाई अड्डा है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और वहां उतरते हैं तो आप सड़कों पर सिगरेट का टुकड़ा नहीं फेंकते और वहां स्टोर यानी कि दुकान होती है उनमें कुछ खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होगा, आपको उसके भूमिगत रस यानी कि ईर्ष्या होगा। आज शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन ₹60 भुगतान करते हैं। बच्चों हाँ क्या अपने रोड पर भारत में कहीं भी घूम तो हमें कोई टैक्स यानी कि उस रोड पर चलने के कोई पैसा है वह भुगतान नहीं करना पड़ता। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि आप शाम के 5 से 8 बजे तक यदि आर्चर रोड पर मुसाफरी करना चाहते हो, अपना वाहन है वो चलाना चाहते हो, तो आपको टोल टैक्स है वो तकरीबन यानी कि लगभग ₹60 देना पड़ता है, तभी आप 5 से 8 के बीच वहां अपना वाहन है वो चला पाओगे। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से जाकर गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। यदि आप पार्किंग करते हैं, बच्चों हम भारत में रहते हैं, आप सोचना कि हमारे यहाँ कहीं भी स्कूटर साइकिल कार कहीं भी पार्किंग करती हुई दिखाई देती है ना। आप साथ साथ यह सोचना भी कि हमारे यहाँ कहीं भी कभी भी कोई भी वाहन है वो रखकर चला जाता है। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय में सड़क खाली खड़ी की तो टिकट पंच करता है। यदि आप समय से ज्यादा वहां अपनी गाड़ी है वो पार्क करेंगे तो आपके पास और पैसे लेंगे, टिकट का और पैसा है वो पंच कराएंगे यानी कि ज्यादा पैसा आपके पास से वसूल करेंगे। लेकिन आप सिंगापुर में करते कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? आप यहाँ पर यदि आपका स्कूटर कहीं भी खड़ा हो तो आप लड़ने झगड़ने लगते हैं और कैसे भी कर अपना स्कूटर या अपना वाहन है वो घर पर चले जाते हैं, मगर आप सिंगापुर में ऐसा नहीं कर सकते। आपको
और जब रोड पर घूमना है तो 60 रुपए का भुगतान भी करेंगे। और 5 से 8 बजे आप जाएंगे तो वहाँ 60 रुपए का भुगतान भी करेंगे। और पार्किंग में यदि वक्त से ज्यादा गाड़ी पार्क करोगे तो उसके पैसे भी आप वहाँ चुका दोगे। मगर आप ऐसी अच्छी बात है वो भारत में अपनाते नहीं है। दुबई में आप रमजान के दिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। बच्चों आप जानते हैं कि रमजान है वो मुसलमानों का बड़ा त्योहार है। तो दुबई है वहां पर हम देखेंगे कि मुसलमान लोग है वह ज्यादा रहते हैं और रमजान है रमजान के महीनों में मुसलमान लोग है वो रोजा रखते हैं, यानी कि पूरा दिन कुछ वह खाते नहीं, वह शाम को खाते हैं और बड़े सवेर जब सूरज है वो निकलता नहीं उससे पहले खा लेते हैं और उसके बीच में वह कुछ खाते नहीं। तो यहाँ पर बताया है आप दुबई में जाओगे तो रमजान महीना होगा तब सार्वजनिक यानी कि सभी लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं यानी कि सब लोग होते हैं ऐसी जगह वहां पर आप कुछ खाने का साहस यानी कि हिम्मत नहीं कर पाओगे क्योंकि दूसरों को वहां खाना नहीं है क्योंकि वो लोग रोजा रखे हुए हैं। जेहाद में बिना सिर के बाहर नहीं निकलते और जेहाद में खाते हो तो अपना सिर के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की नियमाकर नहीं करते। वॉशिंगटन है वहां हम अपनी गाड़ी 55 मील प्रति घंटा ये हिमाकत है वो नहीं करते, जरूरत है वो नहीं कर पाते। हम फास्ट गाड़ी है वो तेज गाड़ी है वो नहीं चला पाते। पलट कर सिपाही भी यह भी नहीं कर सकते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, फलाकू मेरा बाप है। हाँ उसके सामने उस सिपाही यानी कि उस पुलिस के सामने कुछ बहस भी नहीं कर पाते। पर बच्चों हम यहाँ पर भारत में कैसा होता है कि हाँ यदि रोड पर जाते हैं और हमने यदि किसी को नुकसान भी पहुंचा दिया, किसी को टक्कर भी मार दी अपने वाहन से और यदि पुलिस हमें गिरफ्तार कर दे तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, इसी धमकी देते हैं और हम पुलिस वालों को भी बोलते हुए बंद कर देते हैं। मगर हम वॉशिंगटन में सब कुछ नहीं कर पाते, उनके कायदे कानून का हम पालन है वो अच्छी तरह से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछलते। बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है कि यदि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाएंगे तो वहां पर समुद्र के किनारे यदि हम घूमने जाएंगे तो वहां पर हम नारियल है वह हवा में नहीं उछालेंगे। बच्चों हम यहाँ समुद्र के तट पर जाते हैं तो बच्चों आप देखना कि इतना गंदा वहां का वातावरण है, वहां का पानी, वहां सब लोग घूमने तो आते हैं, नारियल तो पीते हैं, मगर उस नारियल को वह डस्टबिन में नहीं फेंकते और कहीं भी उछाल देते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम ऐसा नहीं करते, वहां पर तो हम नारियल का पानी पीकर नारियल है वह डस्टबिन में डाल देते हैं, डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान कचरा पेटी में डाल देते हैं। टोक्यो में आज सड़कों पर पान की पिक्चर नहीं थूकते। बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर भारत में कि कहीं भी लोग पान खा लेते हैं और कहीं भी थूक लेते हैं, आपने देखा ही होगा। शायद आप ही के घर में किसी को ऐसी गलती आदत होगी कि वह पान या मावा चबाते चबाते किसी के घर के पास थूक देते होंगे और उसका घर या सड़क है वो गंदे कर देते हैं। मगर हम टोक्यो में जाते हैं तो ऐसा नहीं करते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन में वहां पर आप जाली यानी कि नकली प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बच्चों हम जानते हैं कि भारत में ऐसा होता है कि नकली प्रमाण पत्र है उसका
के द्वारा आज व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाता है और किसी भी पद पर नौकरी वो करने लगता है, मगर ऐसा हॉस्पिटल में नहीं होता। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाई, आप ही के बारे में बात करा उसके आपके बारे में। अब जो कलाम है वो बीच में बोल उठते हैं कि मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मगर मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, टोक्यो जैसे विविध घूमने लायक जो स्थल है, देश है, वहां जाते हैं तो वहां के कायदे कानून का आप पालन करते हैं, मगर भारत में आप कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी अपनी गाड़ी है वो पार कर देते हैं। यदि आपने इसको टक्कर दे दी अपने वाहन से तो आप उसे मेरे बाप कौन है ऐसी धमकी भी दे देते हैं और उसे डराते हैं और उसे चुप करा देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ एक कम है वो यहाँ तक पढ़ेंगे और आप मैंने जो भी आज सिखाया वह ध्यान से सुनना, समझना और महसूस करना कि अब्दुल कलाम जी ने जो बात की वह हम दूसरे देश में जाते हैं तो उस कायदे कानून का पालन करते हैं, मगर यदि हम अपने देश में यह कायदा कानून है उसका पालन कर पाते हैं। तो बच्चों आप यह वीडियो है वो पूरा देखना। अगले टास्क में हम इस एकम का आगे का भाग है वो पढ़ने वाले हैं। जय स्वामी नारायण।